पीसी के लिए कीबोर्ड के रूप में मोबाइल का उपयोग कैसे करें। जी हाँ, अपने फोन को लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के रूप में उपयोग करने के लिए हम लाए आपके लिए टॉप 10 ऐसे 10 ऐप जिनकी मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो तकनीकी उत्साही, हमारे चैनल में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हमारे पास चर्चा करने के लिए एक बेहतरीन विषय है। जी हाँ, टॉप 10 ऐसे ऐप जो कि आपके मोबाइल फोन को कीबोर्ड में बदल देंगे और आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर को अपने फोन से चला सकते हैं। चाहे आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप करें या फिर कोई गेम खेलें या फिर कोई भी अन्य ऐसे कार्य जो कि आप कीबोर्ड के थ्रू करना चाहते हैं, ये ऐप आपके दिन बचा सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर 1 सेगमेंट है बिल्ट इन सॉल्यूशन, इसका मतलब है अंतर्निहित समाधान। यानी कि हमारी पहली श्रेणी में एक ऐसे ऐप शामिल हैं जो कि आपको आराम से सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं और आपके फोन को कीबोर्ड में बदल सकते हैं। नंबर 1 पे आता है इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप। यदि आप विंडो का उपयोग करते हैं तो फिर माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप आपके लिए एक शानदार विकल्प है। आप ना तो केवल अपने डेस्कटॉप तक दुरुस्त रूप से पहुंच सकते हैं बल्कि आप अपने फोन को कीबोर्ड और टचपैड के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है एप्पल साइडकार। जी अब एप्पल चलाने वालों, आप भी चिंता मत करिए, आपके मैक और ओएस के लिए हमारे पास है एप्पल साइडकार जो कि आपके मैक के डिस्प्ले को एक आईपैड की तरह चलाने में मदद करता है और वो टच स्क्रीन बना भी देता है उसको। तो ये एक ऐसा कीबोर्ड है जो कि आप इसको आसानी से मैक में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी है सेगमेंट 2 की, जिसके अंदर आता है डेडिकेटेड ऐप यानी कि समर्पित ऐप। हाँ जी, आप बिल्कुल सही समझे, अलग अलग हमारे पास समर्पित ऐप हैं जो कि विशेष रूप से आपकी मोबाइल डिवाइस को कीबोर्ड में बदलने के लिए बेहद ही अच्छा विकल्प है। तो नंबर 1 पे आता है इसके अंदर वाईफाई कीबोर्ड। जी हाँ, वाईफाई से तो आप समझ ही गए होंगे, वाईफाई कीबोर्ड एक बहुत अच्छा ऐप है जो कि एंड्रॉयड या फिर किसी भी आईओएस दोनों के लिए उपलब्ध है। यह आपके फोन को उसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर देता है और आपके कंप्यूटर से जुड़ जाता है और उसके बाद पूर्ण रूप से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ नंबर 2 में इसके अंदर आता है टाइपिटो। जी हाँ, टाइपिटो मैक और विंडोज उपभोक्ताओं के लिए काफी अच्छा विकल्प है। ये एक बढ़िया विकल्प बनकर भी सामने आया है। यह आपके डिवाइस के बीच में एक ऐसे कनेक्टिविटी बनाता है जो कि ब्लूटूथ की तरह होती है और जैसे ही आप टाइपिंग शुरू करते हैं ये बेहद ही आसान उस टाइपिंग को कर देता है। नंबर 3 में आता है इसके अंदर रिमोट माउस। आप रिमोट माउस से तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ये जो ऐप है ये बहुत ही अच्छा ऐप है। ये क्या करता है, आपके फोन से आपके डेस्कटॉप पे कनेक्ट हो जाता है और एक वर्चुअल नंबर जैसी भी चीजें देता है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है जो कि कीबोर्ड के साथ साथ नंबर वाली चीज भी चाहते हैं। अब आ रही है नंबर 3 सेगमेंट की मल्टीपर्पस ऐप, मतलब कि वो सारे अलग अलग काम एक ऐप के अंदर हो। जी आइए अब उन ऐप के बारे में बात करते हैं जो ना केवल कीबोर्ड क्षमता प्रदान करते हैं बल्कि उससे अलग अलग सुविधाएं आपको प्रदान करेंगे। तो उसके अंदर नंबर 1 पे आता है यूनिफाइड रिमोट। यूनिफाइड रिमोट एक पावर हाउस ऐप है जो कि आपके फोन को आपके कंप्यूटर के लिए अनुकूल बनाने में योग्य है, मतलब कि आसान बना देता है और रिमोट में कन्वर्ट कर देता है। टाइपिंग से लेके किसी भी चीज तक बेहद ही आसान है और ये हर चीज के लिए आसानी से कार्य कर देता है। इसी के अंदर नंबर 2 पे आता है एयरड्रॉइड। एयरड्रॉइड एक ऑल इन वन समाधान है जो कि वायरलेस ट्रांसफर, नोटिफिकेशन मिलिंग और हाँ कीबोर्ड जैसा भी कार्य करता है। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो कि सबके सब चीजें एक साथ चाहते हैं और एक ही डिवाइस में चाहना पसंद करते हैं। अब बारी है नंबर 4 सेगमेंट की जो कि गेमिंग और मनोरंजन यानी कि गेमिंग और एंटरटेनमेंट ऐप। गेमर और व्लॉगरों के लिए ये जो एक सेगमेंट है ये काफी अच्छा होने वाला है। ये एक ऐसे ऐप है जो कि आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं या फिर कोई भी मीडिया चला सकते हैं। नंबर 1 पे आता है इसके अंदर मोनेक्ट पीसी रिमोट। मोनेक्ट पीसी रिमोट कीबोर्ड और टच स्क्रीन के साथ साथ किसी भी गेम को खेलने में बेहद आसानी कर देता है। ये उन गेमर्स के लिए बहुत ही आसान है जो कि मोबाइल में गेम खेलते हैं मगर वो अपनी स्क्रीन को पीसी में चाहते हैं। नंबर 2 पे आता है इसके अंदर रिमोट कीबोर्ड। ये एक ऐसा कीबोर्ड है जिसकी मदद से आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो उसका प्लेबैक को भी आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों बारी आती है नंबर 5 सेगमेंट की जिसका नाम है क्रॉस प्लेटफॉर्म मैजिक। ये लास्ट भले है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ऐप है जो कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का जितना भी अंतर होता है उनको खत्म कर देता है। इसके अंदर नंबर 1 पे आते हैं दोस्तों एनीडेक्स। एनीडेक्स एक ऐसा डेस्कटॉप ऐप है जो ना केवल आपके कीबोर्ड या फिर माउस को कंट्रोल करता है बल्कि एक ऐसे क्रॉस प्लेटफॉर्म को भी कंट्रोल करने का दावा करता है। चाहे आप विंडो चला रहे हो या फिर आप कोई मैक या फिर लिनक्स पर हो, एनीडेक्स आपका कहीं भी चलने को तैयार होता है। और आपके पास ये है तो दोस्तों आपके मोबाइल फोन को आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड के रूप में उपयोग करने के लिए हमारे टॉप 10 ऐप का इस्तेमाल जरूर करें, जिसके अंदर हमने आपको 4 सेगमेंट दिए। पहले वाला दिया बिल्ट इन सॉल्यूशन, दूसरा डेडिकेटेड
एप्स। तीसरा वाला था दोस्तों मल्टीपर्पस एप्स वाला था दोस्तों गेमिंग और एंटरटेनमेंट एप। पांचवा था क्रॉस प्लेटफॉर्म मैजिक। ये ऐप आपकी टाइपिंग और किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए आपकी क्षमता को बेहतर बनाता है और आपको सुविधाएं प्रदान करता है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने कौन सा ऐप यूज किया है और अनेक तकनीकी चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ आगे ऐसे ही जुड़े रहें।